2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ा है। यूपी में इस नुकसान के पीछे कई वजहें गिनवाई जा रही हैं, लेकिन उन सब में एक सबसे अहम फैक्टर एनडीए के गठबंधन सहयोगियों का नाकाम होना। ओपी राजभर ने पूर्वांचल की कई सीटों पर अपने प्रभाव का दावा किया था, लेकिन राजभर न सिर्फ अपने बेटे को जिताने में नाकाम रहे, बल्कि जिन सीटों पर वो अपने प्रभाव का दावा किया करते थे उन पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उधर अनुप्रिया पटेल की पार्टी दो सीटों पर चुनाव लड़ी, एक सीट तो गवाई ही, बल्कि कुछ विवादों की वजह से कई सीटों पर नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाई दिया। ऐसा ही कुछ संजय निषाद की पार्टी का भी हाल दिखा, उनके बेटे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो वहीं वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी को जिस उम्मीद से गठबंधन से जोड़ा गया था वैसा नतीजा नहीं मिला। आरएलडी ने अपनी दोनों सीटें तो जीत ली, लेकिन मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना जैसी अहम सीटों पर आरएलडी का फायदा बीजेपी को नहीं मिलता दिखा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। गठबंधन के सहयोगी 24 में अनुपयोगी। साथियों का सहयोग यूपी में फेल हुआ प्रयोग। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया, ये आत्मचिंतन का विषय है। राजभर निषाद गढ़ में भी क्यों मिली मार? पीडीए की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको ना दलितों से, ना इनको गरीबों से, ना नौजवानों से, ना पीडीए से, ना शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रह गया। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली, जिसका खामियाजा आज की तारीख में इनके चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। सहयोगी फिर यूपी में बिगड़ा बीजेपी का खेल। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। वो लोग इतने लोग तैयार हो गए, हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना है। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल दुबे साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं आरएलडी के। इसके अलावा पुनीत पाठक हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में अनिल दुबे जी आपसे कर रहा हूँ, चूंकि न SBSP की तरफ से कोई आया है, न निषाद पार्टी की तरफ से कोई आया है, न बीजेपी की तरफ से कोई आया है, शायद अभी सब लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। क्या 24 में सहयोगी पार्टियां अनुपयोगी रही हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? जिस फायदे के साथ आप सभी को जोड़ा गया था, क्या वो फायदा आप लोग नहीं दिला पाए? क्या किसी नतीजे पर पहुंचे या नहीं? देखिए अमित जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें दो सीटें समझौते में मिली थी, बागपत और बिजनौर, दोनों सीटें हमने जीतने का काम किया। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप वहाँ का चुनावी वो देखें, तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 जनसभाएं की। कोई ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा होगा जहाँ पर वो एक चार चार बार, तीन तीन बार उन्होंने वो न गए हों। उन्होंने 17 रोड शो करने का काम किया, और उसका परिणाम ये रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, ये सारे लोकसभा क्षेत्रों में NDA गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। तो और जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना की अगर आप बात करें, तो वहाँ के उम्मीदवारों को अगर जो NDA के उम्मीदवार थे, अगर उनको बुला करके पूछिए, तो वो खुद बताएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेता मानी जयंत चौधरी जी ने उनके लिए कितना परिश्रम किया और राष्ट्रीय लोकदल का वोट कितना उनको मिला। ये तो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने बढ़ चढ़ करके NDA के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, उनको मदद करने का काम किया। अब वो जो हारे,
जहां पर हारे, मुजफ्फरनगर हारे, कैराना हारे, सहारनपुर हारे, उनका उनकी उनके अपने वो लोग समीक्षा करें, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करें, उनके अंतर विरोध, उनकी अंतर कलह वो स्वयं सामने आ रही है, उसमें कहीं राष्ट्रीय लोकदल ने उनको नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने का काम किया। यह बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भी उम्मीदवार हो, जो भी एनडीए का उम्मीदवार हो, उसको बुला करके अगर पूछा जाए तो वो कहेगा कि हमने हमें राष्ट्रीय लोकदल ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेता मानी चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में मैं हमें कितने मत मिले हैं, कितनी सफलताएं मिली हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जो और वो हारे हैं उसके भी कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है, हम लोग भी बीजेपी भी समीक्षा कर रही है, लेकिन आपने तो अपने आप को क्लीन चिट दे दी है प्रभात जी। नहीं, आरएलडी अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। अनिल जी कह रहे हैं कि देखिए हमने तो सारा प्रयास किया, हमारे संगठन ने उनका पूरा समर्थन किया, हमने अपना सारा वोट ट्रांसफर करवाया, वो हार गए तो अंदरूनी कलह की वजह से, जो भीतर घात हुआ उसकी वजह से, ये बाकी जो वजह रही हो उसका वो आकलन करते रहे, लेकिन वो अनिल जी अपने आप को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमें जो रोल दिया गया था हमने अपना रोल अदा कर दिया है। प्रभात जी, जब किसी पार्टी की हार होती है बड़ी पार्टी की, तो जो उसके संग छोटे सहयोगी दल होते हैं वो टीकरा बड़ी पार्टी में छोड़ देते हैं। जबकि असल बात यह है कि जब पश्चिम में खुद जयंत चौधरी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले, तो किसानों के आंदोलन को लेके जिस तरीके से जाट और गुजर और दलितों में वहां पे एक जो ये था कि नहीं, जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन दो सीटों पर जब समझौता हुआ दोनों सीटें वो जीत गए, वो ठीक है, उनका ये कहना सही है कि हम जीत गए और भारतीय जनता पार्टी का भीतरघात के कारण हम हार गए। लेकिन पश्चिम से अगर हम पूर्वांचल चले हैं तो पूर्वांचल में जिस तरीके से छोटी छोटी जाति को जोड़ के बीजेपी के चाणक अमित शाह ने ये फार्मूला बनाया कि निषाद और अनुप्रिया पटेल उनके संग पहले भी रही है और राजभर, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभर को और जिस तरीके से दारा सिंह चौहान जब वहां घोसी विधानसभा हार गए थे तो साफ मना कर दिया था कि ये लोग जिस तरीके से बार बार दल बदल करते हैं और जिस तरीके से इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में, अपने वोट में, अपने जात में है वो कम हो रहा है, कम हो गया है, तो ये समझौता ना किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और चाणक ने ये बात नहीं मानी और जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग उसको दोहराया हारने के बाद भी, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, राजभर को फिर मंत्री बनाया और एक मुश्त 40-50 हजार वोट जो इनकी कम्युनिटी का होता था वो विपक्ष को चला गया, इंडिया गठबंधन को। तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को 2027 के लिए सोचना होगा कि ये जो छोटे दल हैं जो बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग पावर में बहुत मजबूत होते हैं, सत्ता की मलाई भी खाते हैं, उसके बाद अपने जाति का वोट अपनी पार्टी में, बड़ी पार्टी में ट्रांसफर नहीं करा पाए। ओके। तो ये सत्ता इसमें एक सोचने का विषय है। ठीक है परमवीर जी, चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बना दिया गया, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बन गई, इसके अलावा ओपी राजभर भी योगी कैबिनेट में मंत्री बन गए, जिसको जो जो मिलना था सबको सब कुछ मिल गया, इन सब से बीजेपी को क्या मिला, इन सब से एनडीए को क्या मिला 2024 के इस चुनाव में? अमित जी देखिए, मुझे लगता है बीजेपी ने अपनी ताकत को काफी कम आंका 2024 के चुनाव के लिए, या तो उन्होंने वो जो आंकड़ा दिया था 400 पार का, तो उन्होंने सारे अपने जो भी उनको दिखाई दिया कि ये भी अड़चन खत्म की जाए, इसको भी अपने साथ मिलाया जाए, वो 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए मुझे लगता है इतने गठबंधन किए गए थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में बीजेपी की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन लोग बीजेपी से नाराज इसी वजह से हुए क्योंकि जिन जिन क्षेत्रीय दलों का नाम आपने लिया उन लोगों की राजनीति ही केवल इस चीज पर चल रही थी कि वो बीजेपी के विरोध में थे और वो अनाप शनाप और बहुत बिलो द बेल्ट बातें, कमेंट्स बहुत दिन पहले बीजेपी के लोगों ने भी उन पर करी है और उन लोगों ने भी बीजेपी के ऊपर करी है। और फिर जब एकदम से गठबंधन हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया। वास्तव में गठबंधन जो होता है वो चाहे यूपी की बात छोड़िए आप भारत के किसी अन्य राज्य में भी देखेंगे, वो नेताओं का होता है, लोगों का हो ना हो नीचे तक पहुंचे ये पक्का नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, उनको लगा था कि पेपर के ऊपर गणित जोड़कर देखें तो हम जीत जाएंगे, लेकिन सीट आई जीरो उनकी। तो कुछ ऐसा ही बीजेपी के गणित भी यहाँ पर फेल हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गणित दिल्ली में फेल हुआ है, बीजेपी का गणित यहाँ यूपी में फेल हुआ है। वास्तव में फिर से कहता हूँ, अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती बहुत सारी सीटों का अलग उसे फर्क पड़ता, ये कहने की बात नहीं होती। सब देखिए बीजेपी की पीठ थपथपाई जाती है, बीजेपी हारने के बाद
अंतर मंथन कर रही है, अवलोकन कर रही है। अगर कोई और दल यहाँ होता, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, तो ठीक रहा बेचारी ईवीएम पर फूटना था कि बेईमानी हो गई है इसलिए हम हार गए हैं, ये कोई ना कहता कि हमसे कोई गलती हुई थी। तो बीजेपी इस चीज को अगर देखेगी तो वास्तव में बीजेपी की ताकत बहुत बड़ी है इन चीजों से ऊपर। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला तो उनसे जनता की भाषाएं भावनाएं जुड़ी हुई थी, लोग खुश हुए। लेकिन जयंत चौधरी जी का बीजेपी में आ जाना, वहीं पर मैंने उस समय भी याद है जयंत चौधरी जी के शायद ट्विटर पे बड़ा फेमस हुआ था वो ट्वीट, एक शायद उनका रिश्तेदार ही था कोई भांजा लगता था, तो उसने भी ट्वीट लिखा था कि मामा ये गठबंधन आपने करा है हमने नहीं करा है। तो गठबंधन नेताओं का दिल्ली में बैठकर एसी कमरों में हो गया था लेकिन जमीन के ऊपर नहीं दिखाई देता था। मैंने बहुत से लोगों को सुने हैं, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, जब लोग कहते थे कि जहां पर तो नलके का सिंबल होगा वहां पर हम वोट देंगे और बाकी जगह पर नहीं देंगे, तो ये कारण सामने आपको दिखाई देगा। आपको जो सीट पर नलका था वहां पर नलका चला, बाकी वहां पर वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। पूर्वांचल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर उल्टा जनता खिन्न हो गई इन लोगों से कि आप अपनी जाति के ठेकेदार बनते हैं। वास्तव में देखिए नारा दिया जा रहा है पीडीए पिछड़ा है, अब आप देखिए एक नेता मर्सिडीज गाड़ी में से उतरता है, 1 करोड़ की गाड़ी है, उसका बच्चा है किसी इंग्लैंड में या किसी देहरादून के महंगे कॉलेज में पढ़ रहा है और वो पिछड़ा है क्या था वो? अगर चलिए वो कहता है लेकिन जनता कनेक्ट नहीं करती ऐसा पिछड़े, वो समझती है वो सारी चीजों को समझती है। आप अपनी डील कर सकते हैं, आप अपनी डील कर सकते हैं लेकिन आप उसकी डील नहीं कर सकते, आप वोटर की डील नहीं कर सकते हैं। उसको क्या हासिल हो रहा है इस बात पर उसकी नजर है। फखरुल हसन चांद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फखरुल हसन साहब, अब तो लग रहा होगा कि अच्छा ही हुआ कि आरएलडी आपको छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गई, क्योंकि आपके साथ रहती तो आपने ज्यादा सीटें दी थी, शायद 11 के आसपास आपने सीटें दी थी, और वो एनडीए का फायदा अगर नहीं दिला पाए तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा ही हुआ कि हम ज्यादा सीट पर लड़े, ज्यादा जीते। नहीं, अगर आरएलडी हमारे साथ होती तो मुझे लगता है वो संख्या और बढ़ गई होती, हम जो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारे हो सकता वो और बढ़ गई होती। देखिए, अपने सहयोगियों पे हार का ठीकड़ा फोड़ देना, उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को नहीं छुपा पाएगी। ये आपके आरएलडी के जो मित्र हैं या आपके सुभाषपा के मित्र हैं, वो क्या पिछड़ों को आरक्षण जब दिया जा रहा था उन्हीं ने मना किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मत दो? क्या किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए गए थे तो क्या आरएलडी ने मना किया, कहा था कि आप किसानों के खिलाफ काला कानून ले आइए? तो देखिए, सवाल ये है कि देश के मैं प्रधानमंत्री जी जो उनका हार का अंतर था वो वाराणसी में क्यों कम हुआ? अगर सहयोगी ही आपको लगता है कि हार के कारण है, गठबंधन ही हार का कारण है, तो वाराणसी से आपका हार का जो जीत का अंतर वो इतना कम कैसे हो गया? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, जन विरोधी काम किए थे, जनता के खिलाफ काम किए थे, इसलिए ये परिणाम सामने आए। और मैं तो बहुत बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि अगर सहयोगी दल इनके साथ नहीं होते, आरएलडी ना होता, सुभाषपा ना होता, अनुप्रिया पटेल जी ना होती, जो छोटी क्षेत्रीय दल है वो ना होते, तो शायद जो हमारा नारा था 80 हराओ भाजपा हटाओ, वो नारा भी साकार हो गया होता। इसलिए ये सहयोगी दलों पे अपना ठीकड़ा फोड़ देना, अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को छुपा के अपने सहयोगियों पे फोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बचने का रास्ता ढूंढ सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता के खिलाफ आपने काम किए थे, जनता ने आपको नकारने का काम किया, चाहे दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आपने गलत काम किए थे। आप अग्निवीर की योजना लेके आए, आप पेपर लीक करा रहे थे, सहयोगी दल थोड़ी करा रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आत्ममंथन हो रहा है, आत्ममंथन कर ले, आत्मचिंतन कर ले, लेकिन अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं देंगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अगर आप अग्निवीर योजना पे अड़े रहेंगे तो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, और परिणाम 2027 की हम समाजवादी लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ये समीक्षा जरूर करेंगे कि हम हारे क्यों, जो सीटें हैं वो हारे क्यों, हम वो सीटें क्यों नहीं जीत पाए, तो हम अपनी समीक्षा करेंगे। और जब 2027 का चुनाव होगा तो बहुत सहयोगी जो आज जिनको आप गाली दे रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहेंगे तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी। यही मैं आपसे सवाल करने वाला था फखरुल साहब, की अनिल जी आपके पड़ोस में बैठे हैं, इस वजह से उनको लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट हैं आप, या 27 को लेकर संभावनाएं तलाश हो रहे हैं इस वजह से सॉफ्ट हैं? देखिए सवाल ये है कि 27 की बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि आरएलडी हमारे साथ थे, बहुत समय तक हमारे साथ रहे, हमारा गठबंधन था, हम जमीन पे काम कर रहे थे। अगर आदरणीय जयंत चौधरी जी वो अग्निवीर योजना के खिलाफ गांव-गांव जा रहे थे तो हमारा समर्थन था, अगर वो काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, अगर वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारा समर्थन था, हमारा साथ था। किन परिस्थितियों में अलग गए वो उनकी मजबूरी रही होगी,
वो इस पर तय करेंगे। अगर सुभाषपा अलग गई तो वो उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते हैं। अगर वो हमसे दूर गए हैं, अगर वो भाजपा में गए, तो हम अपनी अपनी जीत का, अपनी हार का ठीकड़ा उनके सर पर नहीं फोड़ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नेतृत्व जीता है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की जीत है, और उस पीडीए की जीत का अगर आप विपक्षी दलों के अपने सहयोगियों पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, वो आप फोड़ते रहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण उनके सहयोगी दल है। 22 में जो काम ओपी राजभर ने आपके साथ किया था या केशवदेव मौर्य ने आपके साथ किया था, हार का ठीकरा फोड़ दिया था अखिलेश यादव के ऊपर, केसी कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वो ठीकरा आप चाहते हैं कि सहयोगी दलों पर ना फोड़ा जाए, कम से कम उन लोगों पर बीजेपी ना फोड़े। पुनीत पाठक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पुनीत जी, अगर आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आपके हिस्से में कम आता, तो आपके लिए तो एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि इंडिया गठबंधन से आरएलडी बाहर गई। फखरुल हसन चांद साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ होते तो हो सकता है कि हम ज्यादा सीटें जीत लेते, लेकिन एक संभावना यह भी है कि आपको उतनी सीटें नहीं मिलती जितनी आपको गठबंधन में मिल गई, 17 सीटें। देखिए, मैं तो इस पे यही कहना चाहता हूं कि जो नहीं हुआ उस पे क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब वो साथ रहते तो किसको कितनी सीटें मिलती, उसके लिए तो कमिटी बनी थी। हमें बहुत सारी बातें हुई थी उस समय कि सपा कांग्रेस आएगी तो सपा को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, लोग अपनी चर्चा करते रह गए और हम लोगों ने आपस में बैठ के सीटें भी तय कर ली, चुनाव भी लड़ लिया और बहुत अच्छा परिणाम भी उत्तर प्रदेश में हम लोग ले आए। तो देखिए, वो क्या होता और क्या नहीं होता वो समय बाद की बात है। वर्तमान में स्थिति ये है कि मुझे ओम प्रकाश राजभर जी की कही हुई बात याद आ रही है, उनके जो आज बीजेपी के सहयोगी दल है, उन्होंने एक दिन कहा था कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। तो देखिए, डूबते हुए जहाज की निश्चित तौर पे इन लोगों ने सवारी करी और जिसका परिणाम जनता ने दिया। देखिए, जनता 10 साल के बीजेपी के शासन से देश में और 7 साल के उत्तर प्रदेश के शासन से तंग आ चुकी है, उन्हें बदलाव चाहिए था और समय की मांग को देखते हुए अगर ये जो जिन दलों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों ने समय की मांग को, जनता की मांग को समझते हुए समय पे भाजपा से पल्ला छुड़ा लिया होता, हमारे साथ होते तो निश्चित रूप से मैं फखरुल हसन जी की बात का समर्थन करता हूं कि शायद हमारा और अच्छा रिजल्ट आता, और बढ़िया रिजल्ट आता, जो भी 2-4, 10-15 सीटें क्षेत्रों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं वो भी जीतती सीटें और मुश्किल हो जाती उनको। तो निश्चित तौर पे सहयोगी दलों ने तो बीजेपी का भला किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह अभिमानी पार्टी है, गुरूर में रहती है, जमीन से उसका कोई सरोकार नहीं है, तो मुद्दों को नहीं समझ पा रही है और अपने अपनी गलतियों का ठीकरा सहयोगी दलों पर फोड़ना चाहती है। एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि गठबंधन की ताकत आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इस वजह से चाहते हैं कि 24 में जहां कहीं कोर कसर रह गई है, 27 में उस कोर कसर को दूर करके अपने इंडिया गठबंधन को और बड़ा बनाया जाए। शायद इस वजह से भी आप लोग बड़ा दिल दिखा रहे हैं अपनी बातों को। शक्ति है तो हम लोग बहुत पहले से बोलते जा रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले परमवीर जी कर रहे थे कि देखिए, वोटर्स बहुत समझदार हो गया है, उसको मालूम है कि आप ऊपर ऊपर गठबंधन कर ले रहे हैं तो अपने हित के लिए कर रहे हैं। कल तक आप साइकिल से चलते थे, उसके बाद आपने एक चरपहिया गाड़ी खरीद ली, फिर आपने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, फिर आप मर्सिडीज में चलने लगे। वोटर इस चीज को समझ रहा है क्या? उसके मन में जो कसक रहती है, जो टीस रहती है वोटिंग के वक्त, वो उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे मैं घोसी सीट का एग्जांपल देते हुए आपसे सवाल कर रहा हूं, जब मैं घोसी इलाके में घूमने के लिए गया तो वहां पर ज्यादातर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, समर्थक थे, सब कह रहे थे कि यही ओपी राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो ये पानी पी पी के गरियाए करते थे भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को, मोदी जी को, आज ये साथ में आ गए हैं तो अखिलेश यादव को गरिया रहे हैं। तो इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ रहे और हम भूले नहीं कि जो हमारे खिलाफ थे तो कैसे हमको गाली दिया करते थे। क्या उन वोटर्स का मर्जर नहीं हो पाता है, कार्यकर्ताओं का मर्जर नहीं हो पाता है? नहीं अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब कोई गठबंधन होता है तो उसकी केमिस्ट्री क्या है, क्या वो ऊपर नेताओं पे गठबंधन है, नीचे स्तर पे जो उसका असल मतदाता जो वोटर है, जो बहुत ही नीचे स्तर पे है, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है कि जो गठबंधन हमारे नेता ने जिस पार्टी से किया है वो क्या हमारी जातियों को फायदा दिला सकता है। जिस तरीके से राजभर बार बार अपने सामाजिक समीकरण की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, अब वो अपने बेटे, देखिए दोनों बेटों की राजनीति है ये, निषाद हो या राजभर हो, इनके तो बेटों की राजनीति की, बेटा हमारा सांसद हो जाएगा, जनता ने पटक दिया आपको उठा के, पार्टी को भी फायदा नहीं हुआ, आप भी धरासल में चले गए। जिस तरीके से उनकी भाषा, जिस तरीके के बयान, जिस तरीके के मठ में योगी को भेज देंगे भारतीय जनता पार्टी के, मोदी से लेके सारे लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये टीस रहती है। और उसके अलावा अनुप्रिया पटेल का ले लीजिए, राजा भैया वाला जो प्रकरण हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, उनको एक सीट उनकी चली गई, वो भी जीतते जीतते बहुत मुश्किल जीती। तो जो ये समीकरण फिट किए जाते हैं
ये धरातल में नीचे स्तर पे कार्यकर्ताओं जैसे कि आरएलडी का ले लीजिए, बहुत से जाट समुदाय में नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से कि आपने समझौता क्यों कर लिया, उनका इंटरनल सर्वे बोल रहा था कि नहीं आपको इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए। तो ये जो सारे समीकरण ये लोग सत्ता लालच के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने बेटों को पार्लियामेंट में और विधानसभा में पहुंचाने के लिए किया जाता है, उससे उनकी जाति उनसे हट जाती है। तो अब ये 2027 में किसके लिए लाभप्रद रहेंगे, आगे क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पे इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी जो विश्वसनीयता है, वो बार बार दल बदल के सत्ता का सुख भोगने के लिए इनकी इनके जो नीचे के कार्यकर्ता है, जो इनके समाज है, जो इनका समुदाय है, समाज है, वो इनसे अलग होता जा रहा है। अनिल जी, ये बात तो आरएलडी का वोटर भी समझ ही रहा होगा कि कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं, कभी आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसानों के प्रति लाए गए 3 कानून का आप विरोध करते हैं, फिर उसी सरकार का आप हिस्सा हो जाते हैं। क्या वोटर इन बातों को समझ नहीं पा रहा है क्या, या वो समझ रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसके भीतर के गुस्से को? आपको लग रहा है कि ऊपर ऊपर दल मिल गए तो नीचे नीचे दिल भी मिल गए? देखिए अमित जी, मैं पहले किसान आंदोलन से शुरू करता हूँ जी। किसान आंदोलन जब चला, 3 काले कानून आए, और किसान आंदोलन को की लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने किया। उनके उन काले कानूनों को जो है केंद्र सरकार ने वापस लेने का काम किया। किसान आंदोलन की लड़ाई ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल किसी दल ने की थी, ना जो है कांग्रेस ने की थी। किसान आंदोलन की लड़ाई किसानों ने लड़ी थी और राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी। उसका परिणाम आपके सामने है। तब हम विपक्ष में थे, हम किसानों के लिए तब भी लड़ते थे। आज हम एनडीए का पार्ट हैं, एनडीए में शामिल हैं, और आज भी हम किसानों की आवाज़ का तरीका हमारा बदला है। पहले हम सड़क पर आंदोलन किया करते थे, अब हमारा तरीका है कि हम सरकार के साथ आए हैं, हम वार्ता करके किसानों की समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे मित्र प्रभात त्रिपाठी जी पर और वो परविंदर सिंह जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की केमिस्ट्री आप देखना चाहते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मथुरा, अमरोहा और ये अलीगढ़ आता है, हाथरस आता है, बुलंदशहर आता है। ये आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं लगता है? यहाँ पर किसान नहीं है? इन किसानों ने जब चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने, ये सारी सीटें जो आप गिना रहे हैं, दुबे जी, ये सारी सीटें जो आप गिना रहे हैं तो बीजेपी 2019 में भी जीती ही थी। आप इनको तब गिनाते और इसमें सहारनपुर को भी जोड़ देते अगर आप उस सीट को भी जिता देते। भाई बहुत सारी जीती हुई सीटें बीजेपी हार गई है ना, तो ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके साथ आने नहीं आने से क्या फायदा मिला या नहीं मिला? नहीं, आप ये अब अगर आप चूंकि चर्चा लेकर के आए हो, हम लोगों ने तो जो है 2 सीटों पर लड़ी और 78 सीटों पर मदद करने का काम किया। हमने गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर नहीं था ना दुबे जी, तो ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये है, अगर आप अमित जी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवारों से अगर आप पर्सनल आप एक एक कर को जोड़ करके पूछ लीजिए, तो वो सारे लोग इस बात को कहेंगे कि हमें राष्ट्रीय लोकदल ने कितनी मदद पहुंचाने के काम, वो अभी मंथन कर रहे हैं, मंथन कर लेंगे तब बताएंगे। भारत रत्न मिला अरुण साहब, अभी जो जिस बात का जिक्र अनिल जी कर रहे हैं कि देखिए किसानों के खिलाफ जो कानून आया था उसके खिलाफ किसानों के साथ हम खड़े थे, हमने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तब हम विपक्ष में बैठकर आगे बढ़ा रहे थे, अभी हम सत्ता के साथ आकर उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और जहां लगेगा कि किसानों के हित में यह फैसला करना चाहिए उसमें हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, जहां लगेगा कुछ गलत हो रहा है तो वहां हम विरोध करेंगे। आपको लग रहा है कि साथ में चलकर लड़ाई लड़ना ज्यादा आसान होगा, या फिर जो संभावना है आप तलाश रहे हैं कि 27 में आपके साथ आ जाए तो ज्यादा आसानी होगी? देखिए, ये फैसला आरएलडी का है या जो दल है उसका फैसला, इस पे समाजवादी पार्टी को फैसला नहीं करना है या हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी कि आरएलडी को कहाँ रह के कहाँ चुनाव लड़ना है। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है कि हम पीडीएस फॉर्मूले पे घोसी का विधानसभा का उपचुनाव जीत के आए थे, तभी हमने ये संदेश दे दिया था कि हम इसी फॉर्मूले पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में,
जब एग्जिट पोल आए तब भी बताया जा रहा था 400 पार 300 पार, तब भी हम बैठ के आपके चैनल पे कह रहे थे कि परिणाम आएंगे तो सब देखेंगे कि पीडीए की जीत हुई है। तो हम अपने उसी पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, जो भी साथी हमारे उस पीडीए के फॉर्मूले में आते हैं और जो उस हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा रखेंगे हम उनको अपने साथ ले लेंगे, फिर वो कोई भी हो। समाजवादी पार्टी के लिए कोई अछूता नहीं है, हम सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखते हैं। हमारे लिए हमारे जो दरवाजे हैं समाजवादी पार्टी के वो सबके लिए खुले में। ठीक है परमवीर जी, आपको लग रहा है कि 27 को लेकर बीजेपी अब ज्यादा गहराई के साथ चिंतन मंथन करेगी कि इन सबको साथ लेकर चलना है नहीं चलना है, इनसे क्या फायदा मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा, इस पर भी अपनी बात रखेगा। और जो प्रभात जी कह रहे थे कि अनुप्रिया पटेल के बयान ने भी बहुत डेंट पहुंचाया कुछ सीटों पर, उस पर भी आपका रिएक्शन। जी देखिए 2027 के लिए बीजेपी क्या सारी पार्टियों ने कमर कस ली है अभी से, हम लोगों को सारी पार्टियों की बॉडी लैंग्वेज और पॉलिटिकल पोस्टिंग से अनुभव लगता है कि चाहे अखिलेश जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, सबकी वास्तविक मंजिल 27 में थी। देखिए 2024 में क्या कर पाए, सरकार में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वही सरकार काम कर रही है, लेकिन अब असली जो अब लक्ष्य है वो 2027 में यूपी विधानसभा है, क्योंकि वहीं से सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य से ही आता है, तो उसके लिए साम नाम दंड भेद सब चीजों के प्रयास किए जाएंगे और बीजेपी भी करेगी इस काम को प्रयास। और देखिए बड़बोलापन जो होता है ना, कहते हैं अगर पानी अपनी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, लेकिन अगर वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। अनुप्रिया पटेल जी के मामले में ऐसा ही हुआ, बेतुकी बयानबाजी करना सही नहीं होती है और राजनेता के लिए तो वास्तव में बिल्कुल सही नहीं होती है। देखिए चुनाव हो रहा है, दो सेनाओं का युद्ध नहीं हो रहा है कि एक सेना विजयी होगी तो विजयी सेना हारी हुई सेना का दुर्व्यवहार करेगी, ऐसा नहीं है। राजनीति है ये सब, कोई दुश्मनी नहीं हो रही है किसी की यहाँ पर, तो वाणी पर संयम रखना चाहिए, जनता समझती है। बस मैं कंक्लूड करूंगा, देखिए पीडीए का नारा दिया गया लेकिन पीडीए के लिए किया कुछ नहीं गया है अभी, ये बात ध्यान कीजिएगा। सिर्फ उनकी उन चुनिंदा लोगों को टिकट देके विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचा दिया गया है लेकिन असल में तो कुछ नहीं हुआ है, तो अब लिटमस टेस्ट उस चीज का होगा। और बाकी देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन कितना एकजुट रहेगा ये आने वाले 6 महीने में पता लग जाएगा हम लोग। पुनीत जी आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। पुनीत जी सिंह कहना चाहता हूं कि अगर समय के साथ बात को समझ के जनता की भावनाओं को समझ के कोई भी दल चलेगा तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक बस अंतिम चीज जो आरएलडी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि सिर्फ आरएलडी की और किसानों ने लड़ाई लड़ी, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों की लड़ाई पूरी तरह लड़ी और राहुल जी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे शुरुआत में। जब अच्छा रहा है जाते जाते नाराज मत करिए, हमें खत्म करना होगा क्योंकि फखरुल हसन चांद साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो आपके साथ रहें और अगर आप ऐसा कोई बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर कड़वाहट आ जाएगी। फिलहाल बीजेपी अभी मंथन कर रही है, हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ सहयोगियों से कितना फायदा मिला कितना नुकसान हुआ उस पर भी मंथन किया जा रहा है।